हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कभी कभी आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है आइए समझते हैं। जैसे कि आप एंट्री पास करने जाते हैं और आप जैसे मान लीजिए परचेज में एंट्री पास करने जाते हैं या सेल्स में कहीं भी एंट्री पास करने जाते हैं और आपसे हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती। अब क्या गलती है उसको समझते हैं। चलिए परचेज में आ जाते हैं। यहाँ पर सप्लायर का इन्वॉइस नंबर आप डाल देते हैं, यहाँ पे डेट भी डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी या कैश भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे तो फिलहाल मैंने कैश किया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कैश ही कर दिया है मैंने और यहाँ पर फिलहाल जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे लेजर क्रिएट करते हैं। तो अब जैसे ही लेजर क्रिएट करते हो ना, यहाँ पे लेजर क्रिएशन की जैसे ही बात आती है तो परचेज का लेजर बनेगा, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर परचेज का लेजर बनाने के बाद आप क्या करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर सीधा क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में परचेज ना डाल करके कुछ और डाल जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी कर दिया, जैसे प्रोविजन कर दिया या एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा दिया, प्रोविजन ही मान लीजिए कर दिया। तो यहाँ पर अब तो लेजर तो क्रिएट हो गया आपका, लेकिन अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे लेजर शो ही नहीं हो रहा है, मैंने तो अभी बनाया, ठीक है। तो अभी ऐसी स्थिति में फिर आप अल्ट सी करके लेजर बनाने जाते हैं। देखिए मैं जैसे कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, शायद आपके साथ भी कभी ऐसा होता हो, ठीक है। तो फिर आप यहां क्या करते हैं, परचेज अकाउंट। तो जैसे ही परचेज अकाउंट करते हैं तो यहां पे लिखा हुआ आता है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब आप परेशान कि क्या हो गया, क्यों गलती हो गई, ठीक है। आपने ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि ग्रुप का क्या डाला आपने, ठीक है, यहां पर तो आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही ध्यान नहीं देते हैं तो ध्यान नहीं देने वाली दिक्कत आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे जाती है। तो अब देखिए अब आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, यहां से बाहर आ जाना चाहिए स्केप बटन प्रेस करके। क्या प्रेस करना है, स्केप, स्केप बटन प्रेस करके बाहर आइए और बाहर आकर के सीधा चले चलिए अल्टर पे। तो ये अल्टर दिखाई दे रहा होगा, ये टैली की मेन मेन्यू है जिसे हम गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आकर के क्या करना है आपको, अल्टर पे चले चलना है। तो ये अल्टर आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, एंटर कर दीजिएगा यहां जाके और यहां लेजर पे चले जाइएगा और यहां पे आ जाइएगा परचेज अकाउंट। जैसे ही आते हैं तो आपको यहां पर सीधा गलती दिख रहा है कि परचेज का ग्रुप गलत हो गया, ठीक है। ग्रुप क्या होगा, परचेज का ग्रुप होगा। तो यहां पर आपको इसको सही करना है, ठीक है। तो ये हो गया परचेज अकाउंट और एंटर करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, जब आप परचेज में जाएंगे तो यहां पर देखिए, यहां पे जैसे कुछ भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर हमने डाला, एंटर किया, डेट आ गई, यहां पे कैश ही कर दिया हमने, एंटर 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 करके इसे एक्सेप्ट कराया और एंटर 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 यहां भी कर लिया। तो यहां देखिए तुरंत आपको दिखाई देता है परचेज अकाउंट। अब यहां पर आप आसानी से एंट्री पास कर लेंगे, लेकिन अगर वो गलती करेंगे, लेजर ग्रुप जो है सही सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हो ठीक है। और इन केस अगर आपको टैली में इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।